हमने जेल भरो आंदोलन चलाया था तीन दिन, उसके बाद हम दूसरा दिन है हमें जो रेल लाइन जाम की है, सो प्रोटेस्ट का दूसरा दिन चल गया। अभी जो हमारी मांगे थी कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो सभी फसलें हैं उनके दाम दिए जाएं और जो पंजाब में सारी फसलों की खरीद की जाए, उनके ऊपर सरकार का कुछ भी ध्यान नहीं है, ना हमसे बातें ऐसी कुछ कही गई है। इस तरह से पंजाब सरकार ने कर्ज माफी के वादे किए थे, केंद्र सरकार ने भी किए थे, पर अभी तक कर्ज माफी पर कोई ऐसी टॉक ऐसी बातचीत नहीं हुई है जिससे हमारे मसले हल हो सके। हम मांग करते हैं मीडिया को थोड़ा हमारे किसानों मजदूरों के मसले वो पूरे देशव्यापी उठाएं और खेती मंत्री को मजबूर करें भी वो किसानों के साथ बात करें। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कब वो हमारी मांगे मांग ले और हम तभी ये रेट ट्रैक छोड़ देंगे। जो भी इनकी नीति के संबंध में जो भी इनकी मांगे थी वो सारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। इनसे बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि ट्रैक खाली कर दिए ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है रेल अमृतसर के यात्रियों को या फिर और भी अमृतसर वासियों को या पूरे पंजाब के वासियों को जल्दी से जल्दी हटा सके, रेलवे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया जा सके।